नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय फीटर के विषय ट्रेड थ्योरी में अंकित पाठ्य चर्चा वाइस पर मैं आज आप लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। वाइस का परिचय देखते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये हमारी वाइस है। वाइस एक ऐसा साधन है या फिक्चर है जिसकी सहायता से फाइलिंग, ड्रिलिंग, चिपिंग या टैपिंग करते समय जॉब को पकड़ा जाता है। मिलिंग सेपर या प्लेनर मशीन पर भी जॉब को पकड़ने में वाइस प्रयोग की जाती है, परंतु फीटर व्यवसाय में प्रयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की वाइसों से मशीन पर प्रयोग होने वाली वाइस कुछ बड़ी होती है, जिन्हें मशीन वाइस के नाम से पुकारा जाता है। बेंच में प्रयोग होने वाली वाइस को बेंच वाइस के नाम से पुकारा जाता है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। डिफिनीशन, परिभाषा। वाइस इज ए होल्डिंग डिवाइस टू होल्ड द जॉब अंटिल द जॉब टिल ओवर द ऑपरेशन। वाइस इज ए हार्ट ऑफ वर्कशॉप। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। धातु, यह किस धातु का बना होता है मटेरियल। वाइस इज ए कॉमनली मेड ऑफ कास्ट आयरन या कास्ट स्टील। वाइस मुख्य रूप से हमारी कास्ट आयरन ढलवा लोहा की बनी होती है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। वाइस के भाग, पार्ट्स ऑफ वाइस। पार्ट्स और मटेरियल दिए हुए हमारे। फिक्स जा इसका बना होता है कास्ट आयरन का। नंबर दो मूवेबल जा, ये भी कास्ट स्टील का बना होता है। नंबर तीन जा प्लेट, हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील का बना होता है। नंबर चार स्पिंडल या माइल स्टील का बना होता है। नंबर पांच बॉक्स नट, यह गन मेटल का बना होता है। नंबर छह हैंडल, यह माइल्ड स्टील की बनी होती है। नंबर सात स्प्रिंग, यह स्प्रिंग स्टील की बनी होती है। नंबर सात नट एंड बोल्ट, यह माइल्ड स्टील का बना होता है। नंबर नौ बेस, यह कास्ट आयरन का बना होता है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। वाइस के प्रकार, वाइस निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। नंबर एक बेंच वाइस, नंबर दो मशीन वाइस, नंबर तीन पाइप वाइस, नंबर चार लेग वाइस, नंबर पांच हैंड वाइस, नंबर छह पिन वाइस, नंबर सात टूल मेकर वाइस, नंबर सात ड्रिल, नंबर आठ ड्रिल वाइस। चलते हैं अगली स्लाइड पर। नंबर एक है हमारा बेंच वाइस। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, यह बेंच वाइस है। यह बेंच पर फिट की जाती है। इस वाइस को बेंच पर सेट करके उस पर फाइलिंग, शिपिंग या स्क्रैपिंग इत्यादि का कार्य किया जाता है। इस वाइस की बॉडी कास्ट आयरन तथा कार्बन जाज होता है, कार्बन स्टील के बने होते हैं और उन पर नर्लिंग होती है। बेंच वाइस की माप जा प्लेट की लंबाई से होती है। यह दो प्रकार की होती है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। नंबर दो है हमारा मशीन वाइस। ये हमारा मशीन वाइस है। इसको हम जो है मशीन
पर लगा करके जाब में ड्रिलिंग करते हैं, तमाम प्रकार के ऑपरेशन है इस पे। और मशीन वाइज बहुधा किसी मशीन पर बांध कर उसमें जाब को सेट करके उनकी कटाई हेतु प्रयोग में लाई जाती है। मशीन वाइज चार प्रकार की होती हैं। चलते हैं अगली स्लाइड पर। नंबर एक प्लेन मशीन वाइज, जैसा आपको फिगर में दिखाई दे रहा है हमारा प्लेन मशीन वाइज है। इस वाइज को लाइट ड्यूटी मशीन वाइज भी कहते हैं। कास्ट आयरन की बॉडी जो नीचे से मशीनिंग की हुई होती है, फिक्स जा उसके साथ कास्टेड रहता है, मूवेबल जा मशीन स्पिंडल को घुमाने पर आगे पीछे चलता है। छोटे जाब की मशीनिंग करते समय इस वाइस को सेपर या मिलिंग मशीन की टेबल पर बांध कर कार्य लिया जाता है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। स्वी वेल्ड बेस मशीन वाइस, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, यह मशीन वाइस प्लेन वाइज से प्लेन मशीन वाइज से कुछ अलग होती है। इस वाइज की बॉडी पर एक बेस पर फिट रहती है। बेस में गोल टी स्लॉट होने के कारण वाइज की बॉडी को किसी निश्चित कोण पर सेट किया जा सकता है। इस वाइस का प्रयोग बहुधा मिलिंग मशीन पर किया जाता है। एंगुलर ग्रूव साइड एंड फेस कटर से आसानी से काटे जा सकते हैं। इस वाइस पर जॉब को टाइट करते समय हैमरिंग न करें, अन्यथा वाइस की सुखमता समाप्त हो जाएगी। वाइस को टेबल पर बांधते समय टेबल को तथा वाइस के बेस को नीचे से साफ कर लेना चाहिए। चलते हैं अगली स्लाइड पर। यूनिवर्सल मशीन वाइस, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये हमारा यूनिवर्सल मशीन वाइस है। मशीन शॉप में बहुधा टूल मेकर या ग्राइंडिंग व्यवसाय में प्रयोग होने वाली यह वाइस किसी भी दशा में आवश्यक कोण पर सेट की जा सकती है। इसे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल किसी भी एंगुलर स्थिति में सेट करके दो तरफा कोण की ग्राइंडिंग क्रिया की जा सकती है। इस वाइस को मिलिंग मशीन पर भी प्रयोग किया जा सकता है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। नंबर चार है हमारा वर्टिकल मशीन वाइस। ये जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है वर्टिकल मशीन वाइस है। जैसा कि इस वाइस के नाम से विदित होता है कि इस वाइस की स्थिति वर्टिकल होती है। ऐसे जाब जिनके किनारों पर मशीनिंग क्रिया करनी हो उन्हें इस वाइस में बांध कर कार्य करने में सुविधा होती है। वाइस में जा के स्थान पर फ्लेंज बने रहते हैं जिनमें जाब को पकड़ा जाता है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। पाइप वाइस, इस वाइस की आकृति जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, इस वाइस की आकृति वर्टिकल होती है। समतल बेस पर एक भी आकृति का जा फिक्स रहता है तथा बॉडी के सहारे मूवेबल जा स्पिंडल को घुमाने पर ऊपर नीचे चलता है। इस जाब में भी
भी आकृति का ही जा होता है। दोनों जा में लाइनदार ग्रुप बने होते हैं। यह वॉइस पाइप आदि को पकड़ने में प्रयोग की जाती है। अधिकतर इस वॉइस का प्रयोग पाइप में चूड़ियां काटते समय करते हैं। यह वॉइस पाइप आदि को पकड़ने में प्रयोग की जाती है। अधिकतर इस वॉइस का प्रयोग पाइप में चूड़ियां काटते समय करते हैं। यह वॉइस चयन युक्त भी होती है, जिससे भारी पाइप को पकड़ने में भी प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। यह हमारा है लेग वॉइस। जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है आपको चित्र जो हमारा बना हुआ है लेग वॉइस का, इसमें जो है एक स्प्रिंग लगी है, हैंडल है हमारा, मूवेबल जा है और ये फिक्स जा है और लटकती हुई लेग है नीचे। इस वॉइस का प्रयोग ब्लैक स्मिथी साप में किया जाता है। भारी वर्क बेंच पर लटकती हुई यह वॉइस इस प्रकार सेट की जाती है कि लेग नीचे जमीन में या किसी लकड़ी के कुंदे में सेट रहती है। इस वॉइस के दोनों जा लेग्स के बीचों बीच एक हैवी स्प्रिंग नुमा पत्ती फिट रहती है, जो मूवेबल जा को खोलने में सुविधा प्रदान करती है। दोनों जा को एक ही चूड़ीदार पेंच से जकड़ा जाता है। जैसे जैसे पेंच खोलते जाते हैं, स्प्रिंग पत्ती के तनाव के कारण जा खुलते जाते हैं। इस वॉइस पर गर्म पुर्जों पर फोर्जिंग की जाती है। गर्म जाप को मोड़ने पीटने की क्रिया को ही फोर्जिंग कहते हैं। इस वॉइस की बॉडी रॉट आयरन की बनी होती है, जिससे भारी चोट का कोई प्रभाव वॉइस पर न पड़ सके। चलते हैं अगली स्लाइड पर। ये हमारा है हैंड वॉइस। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, यह हैंड वॉइस है। इस वॉइस की आकृति लगभग लेग वॉइस जैसी होती है। लेग वॉइस एक हैवी ड्यूटी वॉइस है, जबकि यह वॉइस बहुत छोटी होती है और हाथ में ही पकड़कर प्रयोग की जाती है। छोटे छोटे जाब में ड्रिलिंग करते समय इन्हें इस वॉइस में पकड़ा जाता है। इस वॉइस को टाइट करने के लिए इसमें फ्लाई नट का प्रयोग किया जाता है। ऐसा कि आपको चित्र में दिखा रहा है, ऊपर फ्लाई नट है, उसको टाइट करते हैं, खोलते हैं तो हमारा ये वॉइस खुलता है और बंद होता है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। हमारा ये पिन वॉइस है। पिन वॉइस जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, हमारा ये पिन वॉइस है। इस वॉइस की आकृति ड्रिल चक की भांति होती है। छोटे छोटे पिनों को इसमें पकड़कर हाथ से फाइलिंग क्रिया की जाती है। यह वॉइस वॉच मेकर के द्वारा प्रयोग की जाती है। घड़ी की छोटी छोटी पिने इसमें पकड़कर उस पर फाइलिंग क्रिया की जाती है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। टूल मेकर वॉइस या क्लैंप। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, टूल मेकर वॉइस है। ये हमारा टूल मेकर वॉइस। यह वॉइस बहुत ही साधारण होती है।
इसे टूल मेकर क्लैंप के नाम से पुकारा जाता है। जब कभी डाई बनाते समय दो प्लेटों को जकड़कर उनमें कोई ड्रिलिंग क्रिया करनी हो तो प्लेटों को इस टूल मेकर क्लैंप से जकड़ा जाता है। ड्रिलिंग क्रिया या अन्य किसी क्रिया के पश्चात जब कार्य समाप्त हो जाए तो क्लैंप को खोला जाता है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। ड्रिल वाइस, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, हमारा ड्रिल वाइस है जिसको हम ड्रिल पर बांध करके काम करते हैं। यह भी एक छोटी आकृति की वाइस है जिसे किसी पुर्जे में ड्रिलिंग करते समय प्रयोग किया जाता है। इस मशीन वाइस को तबले पर टाइट करने की आवश्यकता नहीं होती। इसका मूवेबल जा शीघ्र ही खुलने की क्षमता रखता है। जाब की माप के अनुसार जाब को आगे पीछे एडजस्ट किया जा सकता है। मूवेबल जा पे लगे हुए हैंडल से जाब को टाइट किया जा सकता है। यह वाइस लीवर टाइप एंड स्क्रू टाइप में उपलब्ध होती है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। ये हमारा चित्र जो दिखाई दे रहा है बेंच वाइस की स्थिति, पोजीशन ऑफ बेंच वाइस, ये हमारी बेंच वाइस है। बेंच वाइस को बेंच पर इस प्रकार सेट करना चाहिए जिससे कि वाइस का फिक्स जा बेंच के किनारे से कुछ आगे रहे ताकि लंबे जाप बनाते समय जाप टेबल से न टकराए। ये हमारा स्थिति है बेंच वाइस की। चलते हैं अगली स्लाइड पर। बेंच वाइस की सही ऊंचाई, मतलब जब कोई भी कारीगर बेंच वाइस पर काम करता है तो उसकी सही ऊंचाई क्या होनी चाहिए। ऐसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कारीगर खड़ा है बेंच वाइस के सामने। बेंच वाइस को बेंच पर सेट करते समय कारीगर को अपनी कोहनी की ऊंचाई के बराबर सेट करके वाइस को बोल्टों से कसना चाहिए। अगर वाइस कोहनी से ऊपर या नीचे है तो कार्य करते समय कारीगर को शीघ्र ही थकान महसूस होने लगेगी। हमें आशा है और विश्वास है कि मेरे द्वारा आज दिया गया प्रशिक्षण आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।